मूवी का स्टार्ट मैक्स नामी लड़के से होता है जिसे हॉरर चीजों का बहुत शौक है। इसी शौक की वजह से वो काम भी ऐसी ही शॉप में करता है जहां हॉरर चीजें सेल की जाती हैं। मैक्स एवेलिन नामी लड़की को डेट कर रहा है जो हॉट होने के साथ साथ अक्लमंद भी है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैक्स का हाफ ब्रदर ट्रेविस अक्सर मैक्स के अपार्टमेंट में लड़कियों के साथ आ जाया करता है क्योंकि वो उन्हें अपने घर नहीं लेकर जाना चाहता। पर एवेलिन को उसकी ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ट्रेविस मैक्स को दिखाना चाहता है कि एवेलिन कितनी कंट्रोलिंग है। पहले उसने मैक्स को अपनी कार सेल करने का कहा क्योंकि वो हाइब्रिड नहीं थी। फिर उसको डाइट पर लगा दिया जो कि मैक्स को पसंद भी नहीं, मगर मैक्स को ये सब बुरा नहीं लगता क्योंकि वो बेचारा तो प्यार में है। एवेलिन मैक्स को अपने पपेट की तरह रहने को कहती है और मैक्स ऐसा ही करता है। एक दिन शॉप पर न्यू शिपमेंट आती है और उसमें से सेट इंजीनी नाम का एक ऑब्जेक्ट निकलता है। उस पर लिखा होता है कि जो ख्वाहिश करोगे वो इविल तरीके से पूरी कर दी जाएगी। मैक्स ने इसको ऑर्डर नहीं किया था, इससे वो ये ऑब्जेक्ट स्टोर रूम में रख देता है। एवेलिन जब मैक्स को मिलने आती है तो दोनों रोमांस करने स्टोर रूम में चले जाते हैं जहाँ दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और मेकअप करते हैं। तभी मैक्स अपनी ख्वाहिश बताता है कि वो खुद का हॉरर स्टोर खोलना चाहता है, मगर एवेलिन इस बात के हक में नहीं होती। उसे इन सब चीजों पे यकीन और उसके हिसाब से दुनिया में इन चीजों से बड़े मसले हैं। वो ये सब मैक्स की फीलिंग्स का ख्याल रखे बगैर बोल देती है। एवेलिन की मॉम की डेथ के बाद से उसे मैक्स नहीं संभाला है, इसलिए एवेलिन मैक्स को खोना नहीं चाहती। वो मैक्स से उसे कभी न छोड़ने का प्रॉमिस लेती है। उसके ऐसे करते ही वहाँ पड़े सेट इंजीनी से अचानक स्मोक निकलने लगती है। अपने रिलेशन को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाते हुए दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। अपने न्यू घर की खुशी में दोनों डेट पे जाते हैं। मैक्स उसे लिए एक हॉरर थीम की आइसक्रीम शॉप में जाता है जो मैक्स को तो बहुत पसंद आती है, पर एवेलिन वहाँ कुछ खास एंजॉय नहीं करती क्योंकि शॉपकीपर ओलिविया और मैक्स को क्लोज होते देख के एवेलिन जेलस फील करती है कि जैसे मैक्स उसे छोड़ के ओलिविया के पास चला जाएगा। सब अच्छा चल रहा होता है कि एक दिन एवेलिन मैक्स को काम के दौरान कॉल करके घर बुलाती है। उसने मैक्स के लिए एक सरप्राइज तैयार किया होता है। मैक्स घर जाता है तो देखता है कि घर का डेकोर पूरा चेंज कर दिया गया है। मैक्स अपने पोस्टर्स के बारे में पूछता है जो एवेलिन ने फोल्ड करके ड्रॉअर में रख दिए थे। ये पोस्टर्स इम्पोर्टेड और महंगे थे जिन पर अब क्रीज आ चुकी है। मैक्स को अच्छा नहीं लगता कि एवेलिन ने उससे पूछे बगैर ये डिसीजन लिया। एवेलिन कहती है कि आज उसकी मॉम की बर्थडे थी और वो कुछ फन करना चाहती थी, पर मैक्स ने मूड खराब करके सब तबाह कर दिया, जिस पर एवेलिन उससे नाराज हो जाती है। मैक्स भी गुस्से में ट्रेविस के घर आता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है। मैक्स की नजर में एवेलिन अच्छी लड़की है, मगर ये रिलेशनशिप ऐसे नहीं चल सकता। एवेलिन हमेशा चलाकी से अपनी बात मना लिया करती है और मैक्स उसको फॉलो करते करते तंग आ चुका है। मैक्स अब एवेलिन के साथ नहीं रहना चाहता और अपने ब्रदर ट्रेविस से मदद मांगता है। ट्रेविस उसे आइडिया देता है कि तुम किसी पब्लिक प्लेस में उसे ब्रेकअप कर लो, इस तरह अगर वो तुम्हें मारेगी भी तो कोई 911 को कॉल कर देगा। मैक्स ऐसा ही करता है और एवेलिन को एक पार्क में बुला लेता है। एवेलिन वहाँ पहुँचती है, मगर रोड क्रॉस करते वक्त उसे एक ट्रक हिट करता है और एवेलिन की डेथ हो जाती है। एवेलिन की मौत का मैक्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो खुद को इसका जिम्मेदार समझता है। वो गिल्ट में होता है कि ना वो एवेलिन को बुलाता और ना ये सब होता। कई हफ्तों तक मैक्स खुद को घर में बंद कर लेता है और डिप्रेस हो जाता है। ट्रेविस मैक्स के पास आता है और उसे जिंदगी की तरफ वापस लाने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि उसका भाई लड़की के पीछे अपनी जिंदगी जाया कर दे। ट्रेविस मैक्स को मूवी देखने चलने का आइडिया देता है। मैक्स उसकी सुन के चला तो जाता है पर बहुत अकेला अकेला फील करता है। सिनेमा से निकलते हुए उसकी मुलाकात ओलिविया से होती है, वो ही आइसक्रीम शॉप ओनर। वो दोनों मूवी के बारे में बात करते हैं और क्लोज भी आ जाते हैं। दोनों साथ एंजॉय करते हुए अपने एक्सेस के बारे में बात करते हैं। मैक्स ये तो नहीं बताता कि एवेलिन अब इस दुनिया में नहीं रही, बस इतना कहता है कि मूव ऑन कर चुकी है। ओलिविया कुछ फन करना चाहती है और उसके पास एक क्रेजी आइडिया है। वो मैक्स को लेकर सिमेट्री चलती है। उसे सिमेट्री में हैंग आउट करना पसंद है। वो भूत बनती है और डरावना एक्ट करते हुए मैक्स को पूरी सिमेट्री में ढूंढती है। वो दोनों काफी हंसते हैं और एंजॉय करते हैं उस खतरे से अनजान जिसका बहुत जल्द उन्हें सामना करना पड़ेगा। मैक्स की हंसी सुनकर एवेलिन अपनी कब्र से बाहर निकल आती है। वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और मैक्स को तलाश करने निकलती है। उसने मैक्स को अपना
अपना वादा जो याद दिलाना है। मैक्स अपने अपार्टमेंट के बाहर ओलिविया को गुड बाय कहने से पहले उसे किस करता है और वो दोनों ऐसे क्लोज आने और रोमांस करना बहुत एंजॉय करते हैं। मैक्स उससे कहता है कि वो इसे आगे बढ़ सकते हैं, मगर ओलिविया को कोई जल्दी नहीं होती। ओलिविया अपने घर चली जाती है और मैक्स अपने अपार्टमेंट आ जाता है। कुछ देर बाद मैक्स के घर की घंटी बजती है। दरवाजा खोलने पर मैक्स के होश उड़ जाते हैं और वो दरवाजा बंद कर देता है। उसे लगता है जैसे वो ख्वाब देख रहा है। फिर से दरवाजा बजता है और मैक्स इस उम्मीद से खोलता है कि उसने जो देखा वो सच ना हो, मगर होता वो ही है। अपने सामने एवेलिन को जिंदा देख के मैक्स बहुत डर जाता है। एवेलिन अलबत्ता मैक्स को वापस पाकर बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि उन दोनों लवर्स को एक और चांस दिया गया है और वो मैक्स के साथ ही रहना चाहती है और अभी इंटीमेट होना चाहती है। मैक्स मुश्किल से उसे खुद से दूर करता है और उसे शावर लेने का कहता है ताकि वो साफ हो जाए। एवेलिन मान जाती है और मैक्स एक ज़ॉम्बी के साथ इंटीमेट होने से बच पाता है। जब एवेलिन शावर में होती है तो पीछे से ओलिविया आ जाती है। वो मैक्स के आगे बढ़ने की बात पर एग्री कर जाती है, मगर इस दफा मैक्स को उसे टर्न डाउन करना पड़ता है। ओलिविया जरा उलझी ही लगती है और घर चली जाती है। सुबह जब मैक्स की आंख खुलती है तो उसे ये एक बुरा ख्वाब लगता है, मगर अपने साथ एवेलिन को देखकर निराश होता है। मुश्किल से वो काम का बहाना बनाकर एवेलिन से भाग पाता है। स्टोर पहुंचकर वो ट्रेविस को कॉल करता है और एवेलिन की वापसी का बताता है, मगर ट्रेविस उसका यकीन नहीं करता। मैक्स शेल्फ से सेट इंजीनी उठाने लगता है कि शायद कुछ जान पाए क्या करना है, मगर वो नीचे गिरकर टूट जाता है। उसे किसी तरह एवेलिन को उसकी असल प्लेस तक पहुंचाना ही होगा। इसलिए वो अपने स्टोर से एक स्पेल बुक उठाता है और उसमें बताए गए इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करता है। एवेलिन वहां आकर उसे डरा देती है। वो एवेलिन पर मिक्स फेंकता है, मगर एवेलिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। एवेलिन मैक्स को अपने जैसा बनाना चाहती है। मैक्स मुश्किल से उसे टाल पाता है ये कहते हुए कि उन्हें एवेलिन की वापसी को सेलिब्रेट करना चाहिए। एवेलिन और मैक्स एक गॉथ क्लब में जाती हैं, जहां एवेलिन के ज़ॉम्बी लुक्स लोगों को वियर्ड नहीं लगते। मैक्स जानकर एवेलिन को बहुत ज्यादा ड्रिंक कराता है ताकि वो बेहोश हो जाए, और ऐसा ही होता है। एवेलिन घर आकर बिल्कुल होश खो देती है और गिर जाती है। इतने में ट्रेविस भी घर आ जाता है। वो एवेलिन को देखकर बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि मैक्स ने एवेलिन को जिंदा किया है। वो मैक्स के घर से चला जाता है। मैक्स उसके पीछे भागता है क्योंकि उसे ट्रेविस की हेल्प चाहिए होती है। मैक्स ट्रेविस को बताता है कि एवेलिन खुद उसके पास आई है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। ट्रेविस इस मामले में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए बस मैक्स को एडवाइस करता है कि वो एवेलिन को डंप कर दे, जैसे वो उसकी डेथ से पहले करने वाला था। मैक्स घर वापस आता है तो एवेलिन सो चुकी होती है। सुबह एवेलिन मैक्स के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उसे पूछती है कि उसने एवेलिन के सजेशन के बारे में क्या सोचा। मैक्स का मरने का कोई इरादा नहीं। वो एवेलिन से कहता है क्यों ना वो एक दूसरे से ब्रेक ले लें। एवेलिन ये सुनकर बहुत गुस्सा होती है कि मैक्स मेरे से पीछा छुड़ाना चाह रहा है। वो मैक्स की खातिर इतनी मुश्किल से ग्रेप से बाहर निकली और उसे ब्रेकअप कर रहा है। मैक्स एवेलिन को काम डाउन करने के लिए कहता है कि वो इसलिए ये कह रहा था क्योंकि मैक्स एवेलिन को वो सब नहीं दे पा रहा जो वो डिजर्व करती है। तो एवेलिन मुस्कुराती है और कहती है कि मैक्स ऐसा ना सोचे, वो बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है। मैक्स अपने काम का बहाना बनाकर जल्दी से स्टोर आ जाता है। आज उसे ओलिविया विजिट करती है। मैक्स को एवेलिन की कॉल आती है और ओलिविया उसकी बातों से समझ आती है कि मैक्स अभी भी अपनी एक्स को छोड़ नहीं सका। मैक्स कहता है कि उसे ओलिविया बहुत पसंद है, मगर उसकी एक्स उसका पीछा नहीं छोड़ रही। ओलिविया कहती है कि अगर मैक्स वाकई ओलिविया से मिलना चाहे तो वो सिमेट्री में एक मूवी शोकेस पर होगी। मैक्स को हर हाल में एवेलिन से पीछा छुड़ाना ही होगा और इसके लिए वो ट्रेविस से हेल्प मांगता है, जो उसे बहुत वियर्ड आइडियाज देता है। मैक्स एवेलिन को बीहेड यानी सर काटने का प्लान करता है, मगर ऐसे नहीं कर पाता है और ट्रेविस से कहता है कि वो एवेलिन को खुद को ज़ॉम्बी बनाने देगा। ट्रेविस मैक्स को मरने नहीं देना चाहता। वो मैक्स से कहता है कि वो ओलिविया के साथ मूवी देखे, मैं अपार्टमेंट जाकर एवेलिन का काम तमाम कर दूंगा। ट्रेविस बहाने से अपार्टमेंट में आ जाता है और एवेलिन पर अटैक करने लगता है। उस वक्त एवेलिन को एक वियर्ड क्रेविंग होने लगती है,
ब्रेन्स की क्रेविंग को ट्रेविस पर अटैक करती है। ट्रेविस उसे लड़ने की कोशिश करता है मगर एवेलिन ट्रेविस को खा लेती है। मैक्स सारी रात ओलिविया के साथ स्पेंड करता है। वो दोनों मूवी एंजॉय करते हैं और उसके बाद इंटीमेट भी होती हैं। सुबह के वक्त जब मैक्स घर वापस आता है तो एवेलिन उस पर बहुत नाराज होती है। मैक्स एवेलिन को देखकर हैरान होता है और ट्रेविस के लिए परेशान। वो ट्रेविस का पूछता है तो उसे पता चलता है कि ट्रेविस मर चुका है और एवेलिन ने उसकी बॉडी प्लास्टिक में रैप करके रखी हुई है। मैक्स को ट्रेविस की डेथ पर बहुत अफसोस होता है। वो घबरा जाता है। एवेलिन मैक्स को फिर से ज़ॉम्बी बन जाने का कहती है और इस दफा मैक्स मान जाता है। वो एवेलिन से बाथ प्रिपेयर करने का कहता है ताकि वहाँ एवेलिन मैक्स को मार सके। मैक्स एवेलिन को वॉशरूम में बंद करके 911 पर कॉल करके सिचुएशन बताता है मगर उसे सीरियस नहीं लिया जाता। मैक्स नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भागता है और ऑफिसर को एवेलिन की वापसी और अपने ब्रदर की डेथ का बताता है ताकि पुलिस उसके घर पूरे बैकअप के साथ जाकर एवेलिन को पकड़ ले। मगर वो मैक्स का यकीन नहीं करते। तब ऑफिसर को एक आइसक्रीम शॉप में ब्रेक इन करने की रिपोर्ट मिलती है। मैक्स को फौरन ओलिविया का ख्याल आता है। हुआ कुछ ऐसे कि एवेलिन दरवाजा तोड़कर बाहर निकली तो उसकी नजर मैक्स के फोन पर पड़ी जिस पर ओलिविया का मैसेज आया हुआ था। एवेलिन को पता लग गया कि मैक्स उस पर चीट कर रहा है। वो गुस्से में ओलिविया की शॉप पर गई और वहाँ ओलिविया पर अटैक किया। मैक्स जब ओलिविया की शॉप पर पहुँचता है तो उन दोनों को वहाँ नहीं देखता। वो फौरन अपने अपार्टमेंट आता है जहाँ एवेलिन ने ओलिविया को बांध के रखा होता है। मैक्स एवेलिन को समझाता है कि वो अब मर चुकी है और वो दोनों साथ नहीं रह सकते। वो उसे बताता है किस तरह पहले भी वो ना खुश था और एवेलिन से ब्रेकअप करने वाला था। एवेलिन बहुत गुस्से में आ जाती है। मैक्स और एवेलिन की लड़ाई होती है। ओलिविया भी छूट कर मैक्स की मदद करती है मगर एवेलिन दोनों से ज्यादा स्ट्रांग होती है। मैक्स एवेलिन के ब्रेन को ग्लास पीस से स्टैब करता है मगर एवेलिन फिर भी नहीं मरती। वो मैक्स को जान से मारने ही लगती है कि पीछे से ट्रेविस एवेलिन को एक बड़े ब्लेड से स्टैब कर देता है। ट्रेविस भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। एवेलिन इस बार वाकई मर जाती है और मैक्स उसे ओलिविया के साथ मिलकर बरी करता है। मैक्स और ओलिविया डेट करने लगते हैं और मैक्स ओलिविया की हाफ शॉप रेंट पर लेकर अपना खुद का स्टोर खोल लेता है। मैक्स अपनी ड्रीम पूरी कर पाता है। वो ओलिविया को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो मान जाती है। ट्रेविस उनकी शॉप के लिए कस्टमर्स गैदर करके लाया करता है। उसकी ज़ॉम्बी अपीयरेंस लोगों को एक कॉस्ट्यूम लगता है और इस तरह सबको अपनी हैप्पी एंडिंग मिल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।